तो वही जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में पर्यावरण दिवस के मौके पर नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत ही नए वर्षों का रोपण कर हल्द्वानी में अलग अलग जगह पौधे लगाए गए। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं हल्द्वानी शहर के सभी शहरवासियों को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस पर्यावरण दिवस हमारा शहर और ज़्यादा साफ़ सुथरा और ज़्यादा हरा भरा, और जैसा कि इस बार की जो थीम है वो जल संवर्धन पर है, तो और ज़्यादा पानी को कंजर्व करने वाला एक शहर बने। आज हमारे नगर निगम की टीम के द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया है, निबंध एवं चित्रलेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है और चित्रशिला घाट पर साफ़ सफाई का आयोजन भी हम लोगों ने किया है, जिसमें आर्मी पर्सनल्स भी हमारे साथ में थे और एक बहुत अच्छा आयोजन किया गया है। हमारे मीडिया के जो बंधु हैं उनके द्वारा भी जो है एक यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्य किया गया है, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम एक बेहतर शहर शहरवासियों को दे पाएंगे।